आज जिस लोकतंत्र के लिए हमारे देश के हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे खासकर जब मैं बात करूं पंजाब के लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद आजम, शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, शहीद उधम सिंह जी, बहुत सारे लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज वही लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खतरे में है। आज जितनी भी चुनी हुई सरकारें हैं, एक एक सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने सरकारी तंत्र से कर रही है, जहां सरकारी तंत्र की जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों की ड्यूटी लगाई गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार को तोड़ा जाए, कैसे आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार को तोड़ा जाए। ये जतन लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। देखिए कितनी बार ये एग्जाम्पल है, ये मिसाल है, कितनी बार पंजाब बीजेपी के प्रधान जी ने कितनी बार कहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू कर दो, कितनी बार पंजाब के गवर्नर, माननीय गवर्नर साहब ने कहा है कि पंजाब में मैं राष्ट्रपति राज लागू कर दूंगा, मैं लिख के राष्ट्रपति साहब को भेज दूंगा कि पंजाब को राष्ट्रपति के हवाले किया जाए। ये बहुत सारी आपके सामने एग्जाम्पल हैं। आज वही काम दिल्ली में, जहां हमारी आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से, एक वैसमुद्दा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे फर्जी केस में जेल में बंद करके हमारे विधायकों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। हमारे विधायकों का खरीदो फरोख्त का काम बीजेपी ने शुरू किया है, पर लेकिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी चुने हुए नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी